वर्मा साहब हमारे बीच में हैं, वो बैंक के मैनेजर वाले पद से वीआरएस नहीं लेते। संदेश बहुत साफ है। हेलो। सो ये बात मेरी समझ में भी आ गई थी और मैंने फिर एक बिजनेस शुरू किया, केबल टीवी का बिजनेस। केबल टीवी का बिजनेस ये बात कर रहा हूं मैं आज से लगभग 25 साल पहले की, 96-97 की। एक हम लोग छतरी लगाते थे जिसको डिसेंटीना बोलते थे, 4 फीट बाई 4 फीट का उसका साइज रहता था ऐसे। और फिर हम लोग, उन दिनों वीसीआर आता था, ध्यान है वर्मा जी, कितने लोगों ने देखा वीसीआर? बहुत बढ़िया। तो वीसीआर में हम लोग एक फिल्म दिखाते थे और 150 रुपया एक घर से हम लोग पेमेंट लेते थे केबल के चार्ज के रूप में। 3-4 चैनल चलते थे और बहुत बढ़िया काम था उन दिनों, पैसा बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन केबल टीवी के काम करते करते दो चीजों की वजह से मुझे उस काम में मजा नहीं आता था, संतुष्टि नहीं थी। एक वजह ये थी कि उसमें 24 घंटे काम करना पड़ता था। रात में भी अगर किसी का केबल खराब हो गया तो लोग घर पे आ जाते थे कि भैया अभी ठीक करके आओ। दूसरी समस्या ये थी कि वहां पे लोग हमें हमारे नाम से नहीं जानते थे, वहां पे लोग मुझे केबल वाला बोलते थे। क्या बोलते थे? जैसे बोलते हैं ना, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, ऑटो वाला। आदमी काम कुछ भी करे लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि जब उसको बुलाया जाए तो उसके नाम से सम्मान के साथ उसको बुलाया जाए। तो जब भी आप किसी को पुकारे ना, जब भी किसी को उच्चारित करें तो उसका नाम, शुद्ध नाम लेके आप बोलने का प्रयास कीजिए। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी बात को दूसरी तरीके से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। ये जो भूख है ना, रिकग्निशन की भूख, सम्मान की भूख, ये रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भूख है। अच्छी बात ये है कि हम एक ऐसे व्यापार में हैं, आरसीएम में, जो पहली बार साथी आए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा सम्मान देगा, इतना सारा आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। इस बिजनेस में आने से पहले मुझे अपनी जिंदगी में कभी कोई ट्रॉफी नहीं मिली थी। ट्रॉफी मिलती ना हमें स्कूल में, मिलती है, या आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, खेलते हैं, तो तभी कम मिलती है। तो मैंने स्कूल खेलने में बहुत अच्छा था, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कभी तो मुझे कोई ट्रॉफी नहीं मिली। मुझे पहली ट्रॉफी जो मिली दरोगा जी, वो मिली थी आरसीएम में जब मैं रॉयल्टी पे गया, फर्स्ट ट्रॉफी इन माई लाइफ। उसके बाद तो ऐसी स्थिति बनी कि हमारे घर में जगह नहीं रही ट्रॉफियां रखने की, इतनी ट्रॉफी मिलती थी जब हम लोग हरियाणा में रहते थे, जींद में। उसके बाद में तो फिर वो घर में रखने की जगह नहीं, तो जो हमारा बेड होता है ना, तो बेड में जगह रहती है, तो उस बेड में रखने लग गए हम लोग, चलो इसमें रख देते हैं। अभी हम फिर दिल्ली में आ गए तो दिल्ली में और ज्यादा वो ट्रॉफी तो आती रहती है, हर महीने का आ जाती है कहीं ना कहीं से। और अभी जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बना तो बड़ी बड़ी संस्थाएं ट्रॉफियां देने लग गई, तो पीछे लगा। अभी हम लोग एक ऑफिस और स्टूडियो बना रहे हैं, तो उसमें हमने स्पेशली डिजाइन किया कि यार एक ऐसा लंबा सा एरिया होना चाहिए जिसमें हम अपनी ट्रॉफियां रख सकें। तो मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, एक दिन आपका घर भी छोटा पड़ेगा, इतनी ज्यादा ट्रॉफियों और ऐसा सम्मान आपको मिलेगा। दो कमियों की वजह से, या दो ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से मैं केबल टीवी के बिजनेस से संतुष्ट नहीं था, पैसा आने के बावजूद भी कुछ सोच रहा था करने के लिए। वे हर देर इज विल देर इज वे, अगर इच्छा है तो ऊपर वाला रास्ते दिखाता है आपको। और उसी दौरान मेरे घर पे मेरे एक साथी का फोन आया और उन्होंने, मार्कर मुझे चाहिए होगा सर, और उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया।
तीन चार लोग और वहाँ पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ये तीन शब्द सुने, RCM, राइट, हाँ वो अच्छा रहेगा, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और इन तीन शब्दों में इतनी ताकत है, अगर आपने